पूर्वांचल रीजन, क्योंकि दूसरा सबसे बड़ा सीटों के लिहाज से रीजन महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है, 130 सीटें हैं इसमें पूर्वांचल रीजन में। तो पूर्वांचल में आंकड़े क्या कहते हैं पूर्वांचल रीजन के, जल्दी से बता देते हैं। देखिए आंकड़े ये कहते हैं कि यहां पर बीजेपी प्लस को 41% वोट जाता हुआ दिखाई दे रहा है पूर्वांचल रीजन में। दूसरे नंबर पर एसपी प्लस दिखाई दे रही है क्योंकि 35% वोट यहां पर एसपी प्लस को दिखाई दे रहा है। बीएसपी की स्थिति तीसरे नंबर की 12% वोट के साथ, और कांग्रेस के लिए आंकड़े कहते हैं 7% कांग्रेस के खाते में और 5% अन्य के खाते में। तो रोमाना पूर्वांचल रीजन 130 सीटें लेकिन 41% के साथ बीजेपी प्लस यहां पहले नंबर पर बनी हुई है। बिल्कुल शिरीन, और ये उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा रीजन है, मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा है 136 सीटों वाला, और पूर्वांचल जहां से 130 विधानसभा की सीटें आती हैं, और यहां पर 6% का गैप इस हफ्ते है। 35% समाजवादी पार्टी गठबंधन, बीजेपी गठबंधन 41%, और 15 जनवरी पिछले हफ्ते भी बिल्कुल यही तस्वीर थी, मतलब 6% का गैप पिछले हफ्ते भी और इस हफ्ते भी। राजकिशोर जी, पूर्वांचल में आपको लग रहा है क्या पेच फंस सकता है? देखिए, जिस रीजन से स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हो वहीं से योगी आदित्यनाथ भी वहां पहुंच गए हैं। मेरे लिए थोड़ा सा ये दिलचस्प है आंकड़ा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को वहां गोरखपुर भेजने का कारण ये बताया जा रहा था कि पूर्वांचल में और ज्यादा बेहतर तरीके से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी, लेकिन गोरखपुर से उनके नाम का ऐलान हो गया उसके बाद भी आंकड़ा जस का तस है। ये थोड़ा दिलचस्प है। और सर, आप जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है जल्दी से पंकज जी से भी इसी पर एक रिएक्शन लेते हैं, क्योंकि 15 जनवरी ये वही तारीख है जब योगी की उम्मीदवारी का ऐलान हुआ था, और उसके बाद ये एक हफ्ता गुजरा है, सर्वे हुआ है, लेकिन इस उम्मीदवारी का कुछ असर आंकड़ों में नजर नहीं आ रहा है पंकज। देखिए, इतनी जल्दी असर आ जाए मुझे नहीं लगता। दूसरी एक गौर करने वाली बात देखिए रोमाना, कि आप पश्चिम और अभी तक जो हमने दिखाया ना अवध, उन सब एरिया के मुकाबले यहाँ दोनों ही गठबंधनों के बीच में गैप बहुत कम है। बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता ये है कि पूर्वांचल में पार्टी उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पा रही है। योगी जी को अयोध्या के अलावा, अयोध्या के छोड़कर के गोरखपुर भेजने के फैसले के पीछे भी ये बात हो सकती है। जिस तरीके से अलायंस किया है अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर से लेकर दूसरी छोटी पार्टियों के साथ, वो एक वजह हो सकती है। और चूंकि सबसे तो आखिर वो सब में कुछ समाजवादी पार्टी को फायदा देता हुआ वो सहयोगियों के साथ गठबंधन इसी पूर्वांचल में नजर आ रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।